रविंद्र जी साहब हमारे साथ है सर, मुबारक हो। चाय पर बुलावा आ चुका है, और जो पिछले बार का जो ट्रेंड था 2014 का, चाय का बुलावा मतलब मंत्रिमंडल का बुलावा। नहीं नहीं, वो तो स्पष्ट किया गया है कि आपने प्रधानमंत्री के यहाँ पर आना है 5 बजे, और आपका सूची में नाम शामिल है, तो क्लियर ही हो गया कि भाई मंत्रिमंडल के लिए ही बुलाया गया है। जिस तरह का सर आपका कद रहा है, 5वीं बार सांसद में बनकर आए, और आपकी जो जीत होती है सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं होती, जितना मैं हरियाणा को फॉलो करता हूँ, चाहे सोनीपत की बात कर लीजिए, महेंद्रगढ़ भिवानी की बात कर लीजिए, और रोहतक में भी कोसली एक ऐसी सीट थी जो पूरा हार जीत का एक तरह से अंतर पैदा किया। किस तरह का टारगेट रहेगा आपको, मंत्रिमंडल में जगह मिली है, कौन सा मंत्रालय इस तरह से पसंद करेंगे? देखो, मंत्रालय भी तय करेंगे प्रधानमंत्री, मिनिस्टर भी तय करते हैं प्रधानमंत्री और पार्टी और अमित शाह जी। आज के दिन तो सिर्फ इतना ही मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे को बुलावा आया है, और ये जो मंत्रिमंडल बनेगा और ये जो हमारी जीत हासिल हुई है नेशनल इलेक्शंस के अंदर, उसका प्रभाव हरियाणा की राजनीति के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, और फ़ायदेमंद तौर के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 4-6 महीने बाद ही हरियाणा के अंदर चुनाव आने वाले हैं, और मैं समझता हूं फ्रंट फुट के ऊपर अगर बैटिंग करती है तो दोबारा से हमारी सरकार हरियाणा में भी बन जाएगी। एक आखिरी सवाल, जो तमाम लोग आए हुए हैं, इन लोगों को भी एक्सपेक्टेशन रहती है, और विधानसभा चुनाव का आपने भी इंट किया, और आपकी भूमिका सिर्फ 1, 2, 4, 5 विधानसभा तक नहीं होती, 15 से 20 विधानसभा पर आप असर डालते, और आपने कहा लोगों के पास अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, जिसकी जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत से काम करता है। मैं भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता समझता हूँ, और जहाँ मेरी पहुँच होगी और जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी सो वहाँ पे काम करूँगा। जीत का थोड़ा सा क्रेडिट तो ले लीजिए सर, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, 2-3 सीटों को मैंने नाम किया, आपने मेहनत तो की थी उन सीटों पर जाकर। नहीं देखिए, वो सारी की सारी इस बार तो जो जिस तरह से वोटिंग लोगों की पड़ी है, अंदरूनन तौर के ऊपर एक मोदी लहर थी जी, तो उसके अंदर चाहे कोई किसी भी मशक्कत करे, अगर श्रेय जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी को ही जाता है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो राजेंद्र जी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से काम किया था, उसका शायद इनाम मिला है, और साफ तौर पर कह रहे हैं चाय के बुलावे का जो मतलब है वो साफ तौर पर यही है कि अब उन्हें मंत्रिमंडल के लिए न्योता आ चुका है। विनोद लांबा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।